नमस्कार, विभूति समाचार में आपका स्वागत है। दक्षिण चीन सागर पर विवाद के चलते हो सकता है अमेरिका और चीन के बीच युद्ध। अमेरिका ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में अपने हितों की रक्षा करने के साथ ही एक देश के कब्जे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा करेगा। उधर चीन ने द्वीपों तक पहुंच रोकने के प्रयास पर अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरा मानना है कि दक्षिण चीन सागर के जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में जिनका इस्तेमाल होता है, वहां अमेरिका अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अगर उन द्वीपों का प्रश्न है जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आते हैं और चीन का हिस्सा नहीं है, तो यह सच है कि हम एक देश के कब्जे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा करेंगे। सीन नामित विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के हाल ही में दिए गए उस बयान के बारे में बोल रहे थे कि अमेरिका उन द्वीपों तक चीन की पहुंच को रोकेगा जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। रिजर्व बैंक ने कहा बैंक में नकली मुद्रा जमा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं। IIM को मिली स्वायत्तता डिग्री देने के विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को 2 आतंकवादी मारे गए। व्हाइट हाउस ने कहा मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है ट्रंप प्रशासन। भारत के विदेश सचिव F जयशंकर को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।